हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गुरुदत्त शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए क्लास 10th साइंस का चैप्टर लाइट लेकर। कैसे आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है आप हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुमोदन का पालन कर रहे होंगे, रिक्वेस्ट का पालन कर रहे होंगे और आप पूरी तरह सेफ हैं, स्वस्थ हैं और प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये टाइम बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। इस दौरान हम अपने आप को पूरी तरह फिट कर सकते हैं और आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा, जो फिट है वही हिट है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अच्छा भोजन खाइए। कितना अच्छा मौका मिल रहा है, यू आर एबल टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद योर फैमिली। अच्छे अच्छे भोजन बनाकर आप खा सकते हैं, टाइम से उठ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ साउंड स्लीप और साथ साथ अपने टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे यहां पर आपके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली रीजन आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लाया है। इट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहां पर आप घर बैठे मुफ्त में शिक्षा पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज कम ऑन ज्वाइन फास्ट। जो बच्चे अभी तक हमसे जुड़े नहीं है जल्दी से आ जाए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड लेक्चर ऑफ सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th। लाइट ऑन कर दो यहां से, बस उसको ठीक करो, उधर से लाइट आने थोड़ी सी, विंडो ओपन करो। प्लीज ज्वाइन फास्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि कल हमने क्या पढ़ा था। यस्टरडे आई स्टार्टेड द चैप्टर लाइट विद यू एंड आई टोल्ड यू दैट देयर इज नो साइट विदाउट लाइट एंड व्हाट इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आईज। लाइट ही वो है जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। खाली आंखें ही सफिशियंट नहीं है किसी चीज को देखने के लिए, सबसे पहले क्या चाहिए? लाइट चाहिए। और मैंने आपको बताया था बच्चों, लाइट कहां से आएगी? लाइट के लिए क्या चाहिए? एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। और सोर्स ऑफ लाइट कितने टाइप के होते हैं? सोर्स ऑफ लाइट दो टाइप के होते हैं, नंबर वन ल्यूमिनस सोर्स एंड सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स क्या होता है? जिसकी अपनी लाइट होती है, जैसे कि सन बल्ब। ठीक है, दूसरा नॉन ल्यूमिनस सोर्स वो क्या होगा? जिसकी अपनी लाइट नहीं होती, जैसे मून है तो उसकी अपनी लाइट नहीं है। और आपके चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो सभी आपके लिए क्या है? नॉन ल्यूमिनस सोर्स का काम कर रहे हैं। जैसे कि ये पेन है, इसको मैं देख रहा हूं तो मेरी आंखों को लाइट इससे मिल रही है, तो ये मेरे लिए क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। बट ये कैसा सोर्स ऑफ लाइट है? इट इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। देन वी डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक। मैंने बॉल का एग्जांपल कल आपको दिया था कि जब कोई बॉल किसी भी सरफेस पे टकराती है तो वापस आती है, ऐसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट जब टकरा के वापस आता है तो बाउंसिंग बैक बोलते हैं उसको। तो लाइट भी बच्चों पार्टिकल की तरह बिहेव करती है एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स एनी सरफेस, जब भी लाइट किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो टकरा के वापस आती है एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे चल के हम इसके अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, आपको समझाएंगे किस तरह से हम रिफ्लेक्शन को और अच्छे से बेटर वे में समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देन आई टोल्ड यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ वाज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द सेकेंड लॉ वाज द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मैंने आपको मिरर बनाना भी सिखाया। मिरर हम कैसे बनाते हैं? इफ यू टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड इफ यू पॉलिश इट फ्रॉम वन साइड वी गेट ए मिरर। ठीक है, देन आई टोल्ड यू टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर आप जो नॉर्मली आपके घर में यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होता है और स्फेरिकल मिरर हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहां से आगे रिकैप्चुलेशन के बाद हम आज के टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जो मैंने कल आपको बताया प्लेन मिरर से, आपको बताया मैंने रिफ्लेक्शन के लॉज। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब रिफ्लेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है। रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, नंबर टू इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ
रिफ्लेक्शन। नंबर वन, पहले बच्चों चलो बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए समझने के लिए मान लो मैं एक प्लेन मिरर बनाता हूं और सपोज करो मैं कुछ रेज बनाता हूं। सपोज दीज आर द रेज एंड दे आर, यू कैन सी दे आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलल। नाउ इफ आई ड्रॉ, मैं यहां पे देखना चाहूंगी इनका रिफ्लेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, यहां पे नॉर्मल हम डालते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, यहां भी नॉर्मल डालेंगे और जितना ये एंगल होगा उतने एंगल से ये रेज तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मैंने कल आपको बताया सेम इस एंगल से ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली क्या थी बच्चों, ये थी इंसिडेंट रे और जो ये जा रही है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये दो रेज जो है ये पैरेलल थी इस मिरर के ऊपर, रिफ्लेक्शन सफर की और उसके बाद टकरा के इधर चली गई, ठीक है। तो इंसिडेंट रे कैसी थी, पैरेलल थी, रिफ्लेक्टेड रे भी कैसी है, पैरेलल है। तो इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें इंसिडेंट रेज भी पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होती है, जैसे कि पैरेलल इंसिडेंट अगर रेज है, पैरेलल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल। अगर पैरेलल इंसिडेंट रेज मिरर पे स्ट्राइक करें और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही रहे, इंसिडेंट रेज पैरेलल थी और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही है, ऐसे बिखर नहीं गई है, पैरेलल ही है, पैरेलल ही आई है तो पैरेलल ही जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि पैरेलल, इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पैरेलल इंसिडेंट रेज, पैरेलल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल, पैरेलल इंसिडेंट रेज आर रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल। तो मुझे लगता है आपको एक क्लियर हो गया होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की, जिसको हम बोलते हैं बच्चों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ओके। सेकंड वन, लेट अस डिस्कस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अच्छा, पैरेलल रिफ्लेक्शन होने, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? तो बच्चों हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, मिरर है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, स्मूथ। इस टाइप की में रिफ्लेक्शन में, रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ, स्मूथ होनी चाहिए बच्चों। जैसे कि आपका प्लेन मिरर आप घर में देखते हैं बिल्कुल चिकना होता है, दैट इज स्मूथ, ठीक है, उसमें फ्रिक्शन नहीं होता बिल्कुल भी। तो इस टाइप की जब सरफेस होगी, स्मूथ सरफेस होगी, तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी कैसा होगा, स्मूथ, रिफ्लेक्शन स्मूथ होगा, शाबाश स्लीपिंग मैन, ठीक है। जब सरफेस स्मूथ होती है तो रिफ्लेक्शन कैसा होता है, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या लगेगा, रिफ्लेक्शन कैसा होगा, पहले मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट टाइप रेगुलर रिफ्लेक्शन, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सेकंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन डिस्कस किया और रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए जो हमारी सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बच्चों किसी भी टॉपिक को समझने के लिए क्लास में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, सबसे जरूरी बात होती है कि आप ध्यान से सुने। आपकी जितनी भी सेंसेज हैं, पांच सेंसेज हमारी होती हैं, आप बता सकते हैं कौन कौन सी सेंसेज होती हैं? हमारी आंखें, जहां से हम ज्ञान लेते हैं, जहां से हम सीखते हैं अपने सराउंडिंग के बारे में, टच करके हम सीखते हैं, छू करके, ठीक है, उसके बाद स्मेल करके हम सीखते हैं, नंबर तीन सुन करके हम सीखते हैं, हियर, और बताइए क्या रह गया, टंग, टेस्ट करके सीखते हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो हमारी पांच सेंसेस इस तरह से होती है, ठीक है, जो मेडिटेशन करते हैं उनकी छह सेंसेस भी काम करते हैं, आपने सुना होगा मेरी सिक्स्थ सेंस। तो जब अब
अगर अपनी जितनी सेंसेस को हम लर्निंग के दौरान खोल कर रखेंगे, आपको उतनी ही ज्यादा नॉलेज आपकी बॉडी में, आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में जाएगी। मगर देखने में आता कुछ बच्चे क्लास में अपना सो रहे होते हैं, ठीक है, या तो उनकी आंखें बंद हो जाती है, आंखें खुली हैं तो कान कहीं और है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को, आपकी सेंसेस को लर्निंग में इन्वॉल्व करना है बच्चे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, कहीं टेस्ट करने की जरूरत है। सपोज यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट इन द केमिस्ट्री लैब, तो यू मे आस्क योर टीचर टू टेस्ट द केमिकल, पूछ करके, अपने आप नहीं करना है कि सर इसका टेस्ट कैसा है, तो टेस्ट स्वीट है कि सार है, कैसे पता लगेगा आपको, टेस्ट करके पता लगेगा ना, ठीक है। अपने आप नहीं करना, केमिस्ट्री टीचर की सलाह से करना है। तो वहां पे कुछ चीजों का पता हमें टेस्ट से लगता है, आपके घर में स्वीट स्वीट हलवा बनता है तो आपको उसकी स्मेल पहले आ जाती है, आती है कि नहीं आती बताइए। तो हम स्मेल से भी सीखते हैं, ठीक है, सुन करके भी सीखते हैं, बहुत सारी बातें देख करके सीखते हैं। तो ये हमारी सारी सेंसेस हैं, और हम जितना ज्यादा सेंसेस को अपनी को इन्वॉल्व करेंगे लर्निंग में, जितना ज्यादा इंटरेक्टिव होंगे उतना ही ज्यादा बच्चों हम सीख पाएंगे। अब ये तो हमारी मजबूरी है लॉकडाउन में कि हम यहां से क्लासेस ले रहे हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने इस समय केवल दो सेंसेस मुझे दे दो, कौन कौन सी बताइए। एक तो आईज और ईयर, यस, आंखें और आपके कान, ये आप इधर रखिए पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि आपको हम यहां तो सुखा तो कुछ भी नहीं रहे हैं और ना ही कुछ टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो आप दो सेंसेस एटलीस्ट यहां रखेंगे, और उनमें से भी अगर आपने एक आधी बंद कर दी तो बहुत कम समझ आएगा आपको। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी है तो पूरी तरह से आप अपने आप को फोकस इस तरफ रखिए। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन समझने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, देखो जो सरफेस है हमारी अब की बार वो प्लेन नहीं होगी, वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी ऊबड़ खाबड़, दिस इज कॉल्ड रफ सरफेस। कैसी सरफेस है, रफ सरफेस, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ बोलते हैं इसको हिंदी में, ऊंचा नीचा, ठीक है। तो मान लो कुछ रेज हैं जो कि पैरेलल हैं, लेट अस सपोज दे आर कमिंग एंड दे आर फॉलिंग ऑन दिस सरफेस लाइक दिस, दे आर इंसिडेंट रेज एंड दे आर पैरेलल, ओके। नाउ व्हेन दीज रेज स्ट्राइक दिस सरफेस, तो जहां पर भी वो स्ट्राइक करेंगी पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल डालेंगे यहां पे। तो अगर मैं नॉर्मल डालू सरफेस के अकॉर्डिंग तो यहां पे इधर आएगा, और ये रे भी रिफ्लेक्शन का रूल फॉलो करेगी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये रे इधर चली जाएगी बच्चों। और अगर मैं इस रे की बात करूं तो यहां पे नॉर्मल थोड़ा सा इधर आएगा और ये वाली रे इधर चली जाएगी। तो अब देखिए क्या हो रहा है, अगर सरफेस कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, रफ है, तो जो इंसिडेंट रेज तो पैरेलल थी, जो पैरेलल इंसिडेंट रेज थी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रही, ठीक है। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज पैरेलल नहीं रहती, पैरेलल इंसिडेंट रेज जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तो टकराने के बाद वो बिखर जाती हैं, जो बिखर जाएं तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और उसके लिए सरफेस कैसी होनी चाहिए, रफ होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या बात समझे इसमें यहां पे, कि पैरेलल इंसिडेंट रेज आर नॉट रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल। सो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो हमने रिफ्लेक्शन की दो टाइप पढ़ी, रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए, नाउ आई विल टेल यू बच्चों व्हाट इज एन इमेज। इमेज आपने देखी होगी, आप डेली सुबह उठकर प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं, ठीक है। तो क्या है वो आपकी क्या है, उसमें इमेज है। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी लॉइन वाली, लॉइन कुएं में देखता है एक और लॉइन उसको दिखाई देता है, तो वो लॉइन दूसरा लॉइन है क्या, no. क्या है वो, उसकी इमेज है, ठीक है। तो इसको इमेज बोलते हैं, तो आपको पता तो है भी इमेज है क्या। अब ये इमेज बनती कैसे है, इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। अब ये कैसे बनता है इमेज जो है, तो जब रेज किसी पॉइंट पर मीट करती हैं, सपोज रिफ्लेक्शन के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन के बाद जब रेज एक्चुअली मीट करती है किसी पॉइंट पर, या मीट करती हुई अपीयर होती है, तो क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है।
किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। अब इमेज कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक होती है बच्चों रियल इमेज और दूसरी हमारी होती है कौन सी? वर्चुअल इमेज। ठीक है, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे समझ लें कि इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, एंड दिस इज कॉल्ड आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज कैसे बनती है इसको समझेंगे हम। देखो, सपोज ये रेज है, एक ये रे है और एक ये रे है। ठीक है, अगर मैं ये रेज को आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों रेज आप देख सकते हैं अपने आप आपस में जाकर के किसी पॉइंट पर मीट करेंगी। ठीक है, जब रेज किसी भी पॉइंट पर एक्चुअली मीट करती हैं, खुद जाकर के मिल जाती हैं, तो इस तरह से जो यहां पे इमेज बनेगी बच्चों इस पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की, जो इमेज इस टाइप से बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड बाई एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज, इमेज फॉर्म्ड बाई एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज, इसको बोलेंगे हम रियल इमेज। ठीक है, अगर देखिए, सपोज करो, मान लो एक रे है, ये इधर जा रही है और एक रे इधर आ रही है, बताइए क्या रेज इधर कहीं मिल सकती हैं? ये रेज, अगर ये रे इधर को इनको हम बढ़ाएं तो ये कभी मिलेंगी आगे? ये तो दूर होती जाएंगी। ये कैसे मिल सकती हैं? अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ा दूं, प्रोड्यूस कर दूं, तो पीछे की तरफ प्रोड्यूस करने से ये मिल जाएंगी। तो ऐसी रेज से जो इमेज बनेगी बच्चों यहां पे, ये जो इमेज होगी, दिस टाइप ऑफ इमेज, जो कि रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने से बनती है, द इमेज फॉर्म्ड बाई बैकवर्ड प्रोडक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाई बैकवर्ड प्रोडक्शन, इमेज फॉर्म्ड बाई बैकवर्ड प्रोडक्शन ऑफ रेज। ठीक है बच्चों, जब रेज को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं उससे इमेज बनती है वर्चुअल इमेज, जब रेज एक्चुअली मीट करेंगे तो कैसी बनेगी? रियल इमेज। ठीक है, ओके, इसके एग्जांपल्स भी हैं, तो आपके स्कूल में प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड लगे हुए हैं बच्चों, तो प्रोजेक्टर से जो इमेज बनती है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो वो जो इमेज होती है वो रियल इमेज होती है। आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गए होंगे, वहां पे भी पर्दे पे जो फिल्म बनती है स्क्रीन पे, तो आपको रेज को ऊपर से आते हुए देखा होगा और वो रेज एक्चुअली जाकर के सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर मीट कर जाती है, तो उससे जो इमेज बनेगी कैसी इमेज बनेगी? दैट विल बी रियल इमेज। ठीक है, और आपके घर में जो प्लेन मिरर है जिसमें आप अपना फेस सुबह उठ के देखते हो, ठीक है, या उस कुएं में जो शेर पानी में अपना फेस देख रहा था, वो कैसी इमेज थी? वो थी वर्चुअल इमेज। बेटा नॉइस प्रोड्यूस मत करिए आप, ठीक है, बैठ जाइए आराम से। तो जो लॉइन अपनी फेस देख रहा था कुएं में, तो वो क्या थी? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स मैंने आपको बताया कि रियल इमेज कहां बनती है, वर्चुअल कैसी होती है, तो आपको समझ आ गया मेरे ख्याल से कि रियल और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या है और किस किस सिचुएशन में रियल और वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, लेट अस सपोज बच्चों ये हमारा एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब मान लो इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है O एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिरर, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी मिरर के अंदर, देखते कैसे बनेगी। तो इसके लिए कम से कम दो रे चाहिए। देखो, एक रे मान लो यहां से गई और मिरर पे जाके स्ट्राइक कर गई, एक रे मान लो इधर गई स्ट्राइक कर गई। ठीक है, दीज आर द टू रेज विच आर कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट एंड दे स्ट्राइक द मिरर, बताओ क्या होगा? ये रे यहां पे जाके मिरर में, बताओ क्या करेंगी? व्हाट विल हैपन? जब ये दो रेज मिरर पे स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा? कौन सा फिनोमेना होगा? रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन कैसे शो करते हैं? हम इस पॉइंट पे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वी विल ड्रॉ द नॉर्मल। अब जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये रे इधर चली जाएगी। ठीक है ये बात,
ये सेम एंगल से इधर जाएगी। ऐसे ही बच्चों यहां पे भी हम नॉर्मल बनाएंगे और जितना एंगल ये है उतने एंगल से ये वाली इधर चली जाएगी, ठीक है। अब बताइए ये दोनों रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस मिरर क्या ये कहीं मिलेंगी? No. कैसे मिलेंगी बताओ इनको, अगर मुझे मिलाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ा दूं ऐसे करके लाइक दिस, ठीक है बच्चों, तो ऐसे पीछे की तरफ अगर इनको हम बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ बढ़ाने से जो इमेज बनेगी सीधा बढ़ाना है, यहां पर बच्चों इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पीछे की तरफ बढ़ाने से जो इमेज बनती है कैसी होती है? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वेरी गुड। तो यहां पर जो इमेज बनी ये कैसी इमेज हुई? वर्चुअल इमेज हुई। तो हम ये बात समझ गए कि जो हमारे घर में प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है? दैट इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज और यू कैन कॉल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। बच्चों ये आपको छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया गया है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आपने देखा कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो कैसी होती है? इट इज वर्चुअल। प्लेन मिरर फॉर्म्स कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज बनती है। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। दूसरा, जो इमेज होती है बच्चों कैसी होती है? इरेक्ट होती है। व्हाट इज इरेक्ट? जैसे मान लो अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको आप प्लेन मिरर में देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, सीधा ही दिखाई देगा। अगर ये ऐसा हो जाए उल्टा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो ये होगा इन्वर्टेड, मगर सीधा ही हो तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। दिस इज इरेक्ट एंड दिस इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन, वी कॉल इट अपसाइड डाउन और इन्वर्टेड। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। और कैसी होती है? इरेक्ट होती है। याद रखो कि वर्चुअल इमेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑलवेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तीसरा पॉइंट है बच्चों, सेम साइज की बनती है। कैसी बनेगी? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर में देखते हैं तो जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो आपको अपना फेस उतना ही बड़ा दिखाई देता है जितना आपका फेस है, ठीक है। तो साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज की इमेज बनेगी प्लेन मिरर से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एट द सेम डिस्टेंस बनेगी। बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो इमेज का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, ये सॉरी प्लेन मिरर से, वो बराबर है इस डिस्टेंस के। जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है मिरर से, मान लो ये डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस भी आप देख सकते हैं डी है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना है प्लेन मिरर से उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, ठीक है। और कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर में बच्चों इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट, और कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि मैं जाके पीछे देखा हूं कि इमेज बन रही कि नहीं बन रही, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज है, आपको दिखाई नहीं देगी, आप ऐसे पीछे जाके ढूंढ नहीं सकते उसको। वर्चुअल इमेज है, सामने से आप इसको फील कर सकते हैं कि ये वर्चुअल इमेज बन रही है। और कहां पे बन रही है? इट इज बीइंग फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, सिक्स्थ वन इज इट इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। क्या मतलब है बच्चों इस बात का, इसको आप समझिए।
तो मैं समझाता हूं आपको लेटरली इन्वर्टेड। तो इसको समझने के लिए पहले आपको एक फिनोमिना है जिसको समझना होगा कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन बच्चों एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की राइट साइड लेफ्ट में दिखाई देती है और लेफ्ट साइड राइट में दिखाई देती है। आपने मिरर में अभी सामने मिरर के आप खड़े होकर देखना तो जो आपके लेफ्ट में चीज है आपकी पॉकेट आपको मिरर में राइट में दिखाई देगी। ठीक है, जो मिरर में पर्सन आपके सामने खड़ा है कौन है? आप खुद है। इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो यू कैन सी योर इमेज इन द मिरर, आपको मिरर में आप खुद दिखाई देंगे। ठीक है, बट आपके ये पॉकेट किधर है? लेफ्ट में है। मगर जो आपकी इमेज है, जो पर्सन आपको मिरर में दिखाई दे रहा है, उसको आप देखना कि पॉकेट उसके किधर है? उसके राइट में है। ठीक है, ये पेन मेरे राइट हैंड में है, मगर अगर मैं अपनी इमेज मिरर में देखूं तो जो पर्सन मुझे इमेज दिखाई दे रही है मिरर के अंदर, उसके ये पेन किधर होगा? राइट हैंड में होगा, उसके लेफ्ट में होगा। सॉरी, मेरे किस में है? राइट हैंड में है, तो उसके किस में होगा? लेफ्ट हैंड में। तो कहने का मतलब कि राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट साइड। इस फिनोमिना को, इस घटना को बोलते हैं बच्चों लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो इट इज ए फिनोमिना, इट इज ए फिनोमिना इन विच राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज लेफ्ट साइड इन द मिरर। मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट राइट साइड किधर दिखाई देती है? लेफ्ट साइड। एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट ठीक है बच्चों, लेफ्ट साइड राइट दिखती है, राइट साइड लेफ्ट दिखती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो जो इमेज बनती है मिरर के अंदर, प्लेन मिरर में, हमारी जब हम प्लेन मिरर में अपना फेस देखते हैं बच्चों, तो वो इमेज कैसी होती है? दैट इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपको बताई, किसकी? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो इनको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए आइए बच्चों अब हम बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। सो व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स? आई टोल्ड यू इफ वी टेक ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास लाइक दिस, आप भी अपनी कॉपी में बना सकते हैं, करके देख सकते हैं। फॉर दैट यू नीड ए कंपास, कंपास ले लेना, उसमें एक पेंसिल लगा लेना, ठीक है, और स्केल की हेल्प से उसको 3 सेंटीमीटर आप अप्रोक्सीमेटली खोल सकते हैं। ठीक, अब उसका एक सेंटर बनाइए यहां पे सर्कल का, और एक सर्कल आप ड्रॉ कर लीजिए अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर रेडियस का, बना लेंगे। उसके बाद 6 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर, किसी भी रेडियस का आप सर्कल यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। मगर आप अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे तो और बेटर, आपको अच्छा क्लियर यहां पर दिखाई देगा व्यू। तो देखो, मान लो यहां पे मैंने ये एक होलो स्फीयर ऑफ ग्लास लिया, एंड इफ आई कट ए स्मॉल पार्ट फ्रॉम इट, इस तरह से मैंने कुछ पार्ट इसमें से कट कर लिया, जैसे कि मैं यहां से इसमें से ऐसे कट कर लू, ठीक है, कुछ पार्ट कट करने के बाद अगर इसको पॉलिश कर दिया जाए एक साइड से, तो मान लो मैंने इसको इस साइड से पॉलिश कर दिया लाइक दिस। सो इफ आई पॉलिश इट फ्रॉम दिस साइड बच्चों, तो इधर तो पॉलिश है, इधर है पॉलिश, तो किधर से हम अपना फेस देख सकते हैं? इधर से अपना फेस हम इसमें देख सकते हैं। इट विल बी द शाइनी साइड। क्या होगी ये? शाइनी साइड। शाइनी साइड हो जाएगी बच्चों। और इस तरह जो मिरर बनेगा ये भी मिरर होगा। यू कैन सी योर फेस इन दिस मिरर एंड दिस इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है, दूसरा एक तरीका और भी है। ठीक है, एक तरीका और क्या हो सकता है कि अगर हम इसको यहां से काटें, इधर से
जैसे सपोज करो मैंने यहां से इसको काटा लाइक दिस, और काटने के बाद ये जो पोर्शन है ऐसे, इसको मैंने बाहर की तरफ से पॉलिश कर दिया ऐसे। अभी मैंने पॉलिश किधर से किया था, अंदर की साइड से, तो बाहर वाली साइड शाइनी साइड थी। अगर मैं इधर से काट के इसको इस साइड से मैं इसे कट कर दूं और बाहर की साइड से पॉलिश कर दूं, तो ये तो पॉलिश हो गई और इस साइड क्या हो गई, शाइनी साइड, शाइनी साइड। ठीक है बच्चों, तो एक ये मिरर हो गया, तो ये भी स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर ये भी है, स्फेरिकल मिरर ये भी है। ठीक है, तो अगर हम यहां से कट करते हैं और अंदर की टाइप से साइड से पॉलिश करते हैं तो ये एक मिरर बनेगा। हम पॉलिश अंदर की साइड से भी कर सकते हैं और हम पॉलिश बाहर की साइड भी कर सकते हैं। तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स बच्चों हमें मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज स्फेरिकल मिरर। ओके, सो स्फेरिकल मिरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इफ वी टेक ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, इफ वी टेक ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास एंड इफ वी कट ए स्मॉल पार्ट फ्रॉम इट लाइक दिस और दिस, ऐसे हमने काटा, एंड इफ वी पॉलिश इट फ्रॉम वन साइड, देन द मिरर फॉर्म्ड इज स्फेरिकल मिरर, दिस इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब बच्चों स्फेरिकल मिरर होते हैं दो टाइप के, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर वन, एक होता है बच्चों हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा बच्चों हमारा होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। तो बच्चों अगर हम इधर से काट रहे हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है, किधर से काट रहे हैं, अगर हम इधर से लेफ्ट साइड से कट करके इसको और इस तरह से हम यहां पे इसको अंदर की साइड से पॉलिश करें, तो बाहर वाली साइड हमारी शाइनी साइड है लाइक दिस, ऐसे हमने पॉलिश किया और शाइनी साइड हमारी इधर वाली है, तो शाइनी साइड कैसी है, इट इज बल्जिंग आउट, कैसी है, बल्जिंग आउट। बल्जिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकल रही है, उभरी हुई है, थोड़ी सी बाहर निकल रही है, जैसे कुछ लोगों का पेट निकला रहता है बाहर की तरफ, ठीक है, तो पेट तमी कैसा होता है, बल्जिंग आउट। तो यहां पे क्या है, ये शाइनी साइड कैसी है, देखियो आप ये वाली साइड, इट इज बल्जिंग आउट। तो अगर साइनी साइड बल्जिंग आउट हो तो इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, और साइनी साइड अगर हो अंदर की तरफ घुसी हुई, इसमें आप देख सकते हैं साइनी साइड कैसी है, बल्जिंग आउट, बल्जिंग आउट, साइनी साइड इज बल्जिंग आउट, बल्जिंग आउट, बी यू एल जी आई एन जी, बल्जिंग आउट। और इसमें आप देखिए साइनी साइड कैसी है, डिप्रेस्ड, साइनी साइड इज डिप्रेस्ड, 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 डिप्रेस्ड होती है बच्चों अंदर की तरफ दबी हुई, घुसी हुई। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के गाल पिचक जाते हैं कमजोरी में, अंदर घुस जाते हैं ना, ठीक है, तो क्या है, डिप्रेस्ड, डिप्रेस हो गए इस तरह से। तो यहां पे क्या, साइनी साइड कैसी है, डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड। तो अगर साइनी साइड डिप्रेस्ड हो, अंदर की तरफ घुसी हुई, जैसे केव होती है ना, केव मतलब गुफा, गुफा किधर जाती है, अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका भी है कि गुफा किधर जाएगी, अंदर की तरफ, तो जिसमें केव आएगा, जिसमें साइनी साइड अंदर की तरफ जा रही है, केव मतलब गुफा, गुफा जाएगी अंदर की तरफ, तो जिसमें साइनी साइड अंदर की तरफ जाएगी, डिप्रेस्ड होगी, उसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, क्या कहेंगे, कॉनकेव। और जिसमें साइनी साइड कैसी है, बल्जिंग आउट है, बाहर निकली हुई है, तो उसे क्या कहेंगे, कॉनवेक्स मिरर, कॉनवेक्स, कॉनवेक्स, कॉनवेक्स में जैसे आपको दिखाई दे रहा है एक साउंड आ रहा है, अपेक्स, अपेक्स का साउंड आ रहा है, तो अपेक्स क्या होती है, पीक होती है, जैसे पहाड़ है तो उसकी जो पीक है उसे क्या बोलते हैं, अपेक्स, और पीक कैसी होती है, बल्जिंग आउट, बाहर निकली हुई होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, तो अगर साइनी साइड बल्जिंग आउट है तो कैसी होगी, कन्वेक्स मिरर, साइनी साइड डिप्रेस्ड है तो कैसी मिरर होगी, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू कि कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, आप पहचान सकते हैं। तो अगर ये होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ले लें हम, एंड इफ वी कट ए स्मॉल पार्ट फ्रॉम इट, इधर से काटेंगे अंदर से पॉलिश करेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट से काटेंगे और राइट से पॉलिश करेंगे, तो देखो ऐसे, इसको हम याद कर सकते हैं, लेफ्ट से काटेंगे एक होलो स्फीयर को, लेफ्ट से काटेंगे और राइट साइड से पॉलिश कर देंगे, तो क्या बन गया, साइनी साइड, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम राइट से काटेंगे और इधर से देखो आपने पॉलिश किया, पॉलिश हमेशा किधर करना है, राइट साइड ही करना है, पॉलिश किधर करना है, राइट साइड, राइट साइड, शो करने का तरीका है ये, ठीक है।
तो पॉलिश हमेशा इस साइड करेंगे बच्चों, हम देखो राइट साइड, तो इधर से काटेंगे तो भी, इधर से काटेंगे तो भी, तो लेफ्ट से काट के राइट में पॉलिश करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, राइट से काट के राइट में पॉलिश करेंगे तो कॉनकेव मिरर बन गया। अब मिरर से रिलेटेड बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, देयर इज सम टर्मिनोलॉजी, जो बातें आपको मिरर के बारे में पता होनी चाहिए, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है, तो हम बारी बारी समझेंगे दोनों मिरर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट कन्वेक्स मिरर। सो आई टोल्ड यू इफ वी टेक ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास एंड इफ वी कट इट फ्रॉम दिस साइड, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड इफ वी पॉलिश फ्रॉम इनसाइड, इधर से पॉलिश करें तो बच्चों ये जो बनेगा मिरर कैसा होगा, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब यहां पे इस मिरर का जो यहां पे अगर हम देखें, इसके दो टुकड़े करें, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है, ऐसे ये मिरर है, तो अगर यहां से एक पॉइंट मिलेगा जहां पे मिरर के दो टुकड़े हो जाएंगे, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पी, पी मीन्स पोल, पोल ऑफ द मिरर, और दिस सेंटर, सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द फ्रॉम विच मिरर हैज बीन कट, उस स्फीयर का सेंटर जिसमें से आपने ये मिरर काटा है, उस स्फीयर का सेंटर ये सी, इट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी कॉल इट एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पता होना चाहिए बच्चों आपको। और अगर मैं पोल को सी से मिला दूं, देन दिस लाइन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, वी कॉल इट प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बच्चों पोल से सी तक का जो डिस्टेंस है वी कॉल इट कैपिटल आर, हम इसको आर से डिनोट करते हैं, एंड दिस आर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, क्लियर है आपको। और बच्चों पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में हाफ डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं फोकस, और कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड फोकस। अभी आपको बताएंगे कि फोकस क्या है, फिलहाल आप ये याद रखिए कि पी और सी के ठीक बीच में एक पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड फोकस, और पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वी डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, दिस स्मॉल एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ, स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है आपको। और फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं इसके बारे में, ठीक है। और बच्चों यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, वी कॉल इट अपर्चर, ठीक है। जैसे वो प्लेट दिखाइए पीछे रखी है, या चलिए आपको मैं समझाता हूं, सपोज दिस इज ए मिरर, आप देख सकते हैं कि ये मिरर है, ठीक है, एंड दिस फ्रॉम दिस साइड इट इज कॉन्वेक्स मिरर, तो अगर मैं इसको यहां से यहां तक देखूं, ये इसका जो साइज है, जो इसका डायमीटर है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, क्या कहते हैं इसको, अपर्चर कहते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये इस तरह से इमेज है, ये सॉरी मिरर है, ये जो इसका साइज है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं यहां पे इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। सो दिस इज मिरर, फ्रॉम दिस साइड इट इज कॉनकेव एंड फ्रॉम दिस साइड इट इज कॉन्वेक्स, ये इधर से बाहर थोड़ा निकला हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स साइनी साइड इसकी बल्जिंग आउट है, तो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, और इसमें इधर से देखें तो साइनी साइड थोड़ी डिप्रेस्ड है, ये थोड़ा थिक है, ठीक है, तो इधर से साइनी साइड डिप्रेस्ड है, तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, और साइनी साइड अगर बल्जिंग आउट है तो क्या है, कॉन्वेक्स। ये बच्चों इस तरह से बनाया गया है कि इसमें दोनों टाइप के मिरर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली पॉलिश बीच में है, ठीक है, दो मिरर को आपस में जोड़ दिया गया है, तो इसमें दोनों मिरर आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉन्वेक्स भी है ये और कॉनकेव भी है ये, ओके। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, जो डायमीटर होता है इसका यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है, डायमीटर ऑफ द मिरर, दिस साइज, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अपर्चर, ओके।
चलिए तो अब हम बात करते हैं दूसरा मिरर है हमारा कौन सा कंकेव मिरर। नेक्स्ट वन इज कंकेव, उसको मिरर को जल्दी समझते हैं फटाफट और क्लास को अभी वाइंड अप करते हैं जल्दी से। चलिए फटाफट देख लीजिए, तो दिस इज योर होलो स्फीयर ऑफ ग्लास एंड इफ वी कट ए स्मॉल पार्ट फ्रॉम दिस साइड और इधर से हम इसको पॉलिश करें, पॉलिश हमेशा किधर करना है राइट साइड में ही पॉलिश करना है ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पॉइंट क्या होगा पोल, और मैं इसको मिला दूं तो ये लाइन क्या होगी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ठीक बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम क्या कहते हैं फोकस कहते हैं ठीक है बच्चों। सो दिस इज योर, तो इस टाइप का जो मिरर होगा हमारा इसे हम क्या कहेंगे दिस इज कॉनकेव मिरर, और इस टाइप का जो मिरर होगा उसे हम क्या कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप दैट कि आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा। मगर सबसे जरूरी है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और आप अपनी बुक को एनसीईआरटी बुक को बार बार पढ़ें बच्चों, सेल्फ स्टडी की हैबिट आप बनाएं। तो आज हमने सीखा लाइट का, हमने रिवाइज किया चैप्टर थोड़ा सा, उसके बाद हमने इमेज समझी कि इमेज क्या होती है ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हमने सीखे रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देन वी डिस्कस इमेज और इमेज की दो टाइप्स, कौन कौन सी इमेज होती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जो इमेज एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज से बनती है वो कैसी होती है रियल इमेज, और जिसमें रेज को पीछे की तरफ बढ़ा करके मिलाना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को बच्चों हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते ठीक है, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। तो आपके घर में जो प्लेन मिरर होता है उसमें कैसी इमेज बनती है वर्चुअल इमेज। देन आई डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है कैसी होती है वर्चुअल होती है इरेक्ट होती है, और प्लेन मिरर की इमेज कैसी होती है लेटरली इन्वर्टेड होती है, सेम साइज की होती है सेम डिस्टेंस पे बनती है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज बच्चों आई टोल्ड यू ठीक है। देन आई टोल्ड यू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं, अगर हम होलो स्फीयर ऑफ ग्लास लेके पार्ट कट करें पॉलिश करें तो उससे क्या बन जाएंगे स्फेरिकल मिरर्स बन जाएंगे ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ और अपर्चर, ये सब चीजें मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस इनके बारे में आपको बताया इस वीडियो के अंदर ठीक है। तो आप इसको बार बार देखते रहिए, डाउट्स क्लियर करते रहिए, फिर मिलते हैं, अपने आप को सेफ रखिए, लॉकडाउन में रखिए, अंदर रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।